हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बैक्यूम का सोलो है, एक्सो का मेंबर है, तो इसका तुम लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था। बहुत मतलब पहले आ चुका है, मिस कर मतलब मिस नहीं किए थे, मतलब देखे थे, बट बहुत सारा वीडियो लाइन में था तो टाइम लग गया। पर तुम लोग दो दो रिक्वेस्ट आया था, एक ट्वाइस का सोलो था और ये सोलो था, तो हम सोचे अभी क्यों ना कर लेते, क्योंकि मेरे को 1 घंटा प्लस वाला वीडियो रिकॉर्ड भी करना है। तुम लोग को दिखा देते किसका बात कर रहे हैं। अगर तुम लोग 17 फैन हो तो खुश हो जाओगे कि ये 1 घंटा 29 मिनट का ये है, लाला पल्लू साहब परलिन में 17 जो परफॉर्म किया उस पर हम रिएक्ट करने वाले हैं। पर अभी नहीं, नेक्स्ट अभी हम फ्री हो, मतलब सोच रहे सुबह करेंगे फ्रेश होके, क्योंकि सोच रहे 1 घंटा बैठना, तो 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटा 29, वो 1 घंटा 100, मतलब 1.5, हम ये बोलते हैं इसको क्या, डेढ़ डेढ़ बोलते हैं ना कि ढाई, ठीक हाँ 1 आवर 30 मिनट भूल जाऊँ कुछ बोले भी, तो उतना देर बैठ के मतलब रिकॉर्ड करना और तुम लोग साथ कॉन्वर्सेशन रखना, तो दो दो घंटा भी जा सकता है वीडियो। तो हम सोच रहे वो करें या लाइव स्ट्रीम में, तो ब्लॉक कर देता है बहुत इजीली, तो वो नहीं करने जाएंगे हम। तो लेट्स गो, हम एक्साइटेड है। सोलो बैक्यूम का पाइनएप्पल साइज, और ये हमको पसंद आया तो हम ये सुने। बैक्यूम का सोलो बहुत सारा सॉन्ग है, बहुत सारा नहीं है, तो अगर तुम लोग को बैक्यूम का 3 सॉन्ग वाला वो जो हम करते हैं, 3 सॉन्ग पर रिएक्ट करते हैं, फिर लास्ट एक थॉट देते हैं, क्योंकि एक सॉन्ग से एक आर्टिस्ट का जज करना बहुत घटिया चीज़ हो जाएगा, जो बहुत कोई कर लेता है जो हमको पसंद नहीं। तो कि एक सॉन्ग में एक जन रैप कर रहा था वो रैपर कहला गया, वो हमको पसंद नहीं। तो जनरली हम देखना सर, मतलब तुम लोग चाहते हो कि वैक्यूम पे और वीडियो या नेक्स्ट वीडियो आए, तो कमेंट करो और लेट्स गो। ज़्यादा बकर बकर नहीं कसते, ओके वीडियो ऊपर। लिटिल बिट डीप डीप वॉइस। जैसे एग्जांपल ले लो, हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात करेंगे, जो मेरे को सही लगता है हम अपना ओपिनियन भी देंगे। तो बहुत जन को ये पसंद नहीं था कि हम अपना क्रिएटिव, मतलब हम अपना क्रिएटिव माइंड सेट करते हैं ये लोग कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मतलब सब चाहता है कि हम बस सॉन्ग अच्छा है, बस अच्छा पार्ट पे ध्यान दे, बुरा पार्ट पे ध्यान ना दे, और जो ऐसा है वैसा एक्सेप्ट करें। तो हम पहले बोल देते हैं, जो लोग यहाँ पर बैकहोम का फैन या जो भी देख रहे, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हम वो सोचते हैं कि उसको क्रिएटिव वे में देखना, तुम लोग को पता ही है, तुम लोग भी जिस चीज़ में इंटरेस्टिंग हो, इंटरेस्टेड हो, जो तुम स्किल पसंद हो, तो तुम ये सोचते हो कि इसमें ये करते तो ये ज़्यादा बेटर होगा, ये होता तो ये ज़्यादा बेटर होता। तो सबका अपना एक चीज़ होता है, थॉट प्रोसेस होता है अपना पसंदीदा चीज़ लेके। तो मेरा हम बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल ले लो, फर्स्ट ऑफ एग्जाम्पल देते हैं, ये जो सॉन्ग मेरा फेवरेट टाइप का बीट है, डार्क बीट है, जो रेव चल रहा है बीच में, ये मेरा एकदम फेवरेट टाइप का चीज़ है जो सॉन्ग्स में यूज होता है, और वीडियो तो अच्छा ही। तो हम जैसे हम अपना ओपिनियन का बारे में हम कैसे बताएं, जैसे एग्जांपल सब अपना पर्सनालिटी शो करता है अपना सॉन्ग में। जैसे एग्जांपल ले लो, सिमिलर नॉट सिमिलर, जस्ट रिमाइंड करता है जी होप का जो मोर सॉन्ग था, ठीक है ना। हम तो ये सॉन्ग से कोई रिलेशन नहीं है उसका, बट एक एग्जांपल देते हैं, जी होप का जो मोर सॉन्ग था, ठीक ना, आई एम थर्स्टी,
जो स्टार्टिंग किया था वो नॉर्मल भी गा सकता था, पर वो अपना पर्सनालिटी शो किया एकदम ग्रीडनेस में। तो इसमें भी ये कर रहा है, पर एग्जांपल ले लो यहाँ पर। जैसे ये अपना पर्सनालिटी शो कर रहा है यहाँ पर, ज़्यादा एग्रेसिव ना जाके एकदम स्मूथ वे में अब कर रहा है। देखो अगर हम इसको अगर प्रोड्यूस करते, अगर मेरा वे में रहता, तो इसमें जो खे लास्ट में है ना, इसको और स्ट्रेच करने बोलते, ज़्यादा साउंड बेटर साउंड करता, और ज़्यादा मतलब बेटर साउंड कर ही रहा है। मेरे तरफ से मेरा वे में ये होता है, तो वही हम बिना ये मेरा मेरा बोल के हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम बोलते ये स्ट्रेच करके होता तो मज़ा आता, तो सबको लगता है कि हम उसको नेगेटिव वे में बोल रहे हैं। बट नहीं, वो एक थॉट प्रोसेस रहता है मेरा, नहीं पता हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं या किसको उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, बट जनरली हम कुछ देखते तो मेरा माइंड सेट में वही, मेरा माइंड में वही, मेरा माइंड सेट ही वही है। लेट्स गो। वीडियो तो भाई जो क्वालिटी का था, मजा आ गया देख के, ऐसा लग रहा था कि एकदम ट्रैकुला वाला मूवी देख रहे हैं। ये 4K में देखने में तो और मजा आएगा। इसका पता है, इसका रॉक वर्जन सुनने में कितना मजा आएगा। ढंग 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 ढंग, जो उसका रिदम है ना एकदम एकदम आग से, मतलब कोई एकदम ऐसा लग रहा है पुकार रहा है मेरे को कि इसका रॉक थीम बनाए। बट आई एम बिजी पहले एकदम, ये मेरे को 2017-18 के आसपास मेरे को बोलता ना, मेरे पे पहले इक्विपमेंट नहीं था ना, मतलब कुछ पीसी वीसी मेरे पे नहीं था, बस फोन था। तब मेरे को ये सब करने में मतलब जो मज़ा आता था, फ़ोन में बैठ के हम रिमिक्स बनाते थे सॉन्ग का। अब तो सब सॉन्ग का रिमिक्स कहाँ है, खोजना पड़ेगा।
वो फोन में था, वो फोन कब था मेरा गायब हो चुका है। तो आई थिंक सब मेरा जितना भी सॉन्ग का रिमिक्स किए थे सब मिलने नहीं वाला। सॉन्ग मेरा फोन चोरी हो गया था वो वाला, और कुछ भी वो समय मेरा ईमेल आईडी में सेव नहीं था। तो एक है कि बहुत सारा हम रिमिक्स किए थे, काश तुम लोग को शो कर पाते। बहुत केपॉप नहीं, बहुत अलग अलग ब्राजीलियन सॉन्ग का रिमिक्स, मतलब एक रिमिक्स वो वाला रिमिक्स नहीं जो तुम यूट्यूब पे देखते, दो सॉन्ग को अननेसेसरी रिमिक्स कर दिया। हम एक एक सॉन्ग को, मतलब जो न्यू, मतलब एक एक वोकल्स को न्यू म्यूजिक म्यूजिक के साथ कनेक्ट करके एकदम सॉन्ग ही चेंज कर देते थे। जो मेरे को भी नहीं पता अभी सुनेंगे कि अच्छा लगेगा कि भी कि नहीं, बट वो समय हम अपना सॉन्ग, मतलब दूसरा का सॉन्ग उठा के उसको अपने टाइप में बना के हम इंजॉय करते थे मोस्टली। तो वो मेरे को बहुत पसंद था करना। अगर चाहते हो मेरे को देखना हो, चाहते ही करना, बट आजकल कॉपीराइट इतना स्ट्रिक्ट हो गया ना कि हम सोच, उसमें बहुत मेहनत लगता है। सबसे पहला बात, एआई आ गया तो इजी होगा, बट जो वोकल और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रिमूव करने में एआई हेल्प कर देता आजकल, तो उससे इजी हो जाएगा मेरे को कि इसका वोकल्स निकाल के अपना बीट पे डालना। तो वो वाला दिक्कत वाला, पर मेहनत, बहुत मेहनत वाला काम है। मेरे को एटलीस्ट 6 घंटा बैठ के रिमिक्स बनाने में लग जाएगा, क्योंकि हम एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो मतलब पीसी करेंगे तो पीसी अच्छा इक्विपमेंट, पीसी में बैठ के करेंगे ना। मेरे को एटलीस्ट 6 घंटा से 7 घंटा का आसपास लग सकता है, और कुछ गड़बड़ हुआ तो और टाइम लग सकता है। तो सोच रहे करें क्या, अगर सोचा हम करें भी, YouTube ब्लॉक कर दे, मतलब YouTube कॉपीराइट मार देता है उस पे। मतलब होता है ना कि एक कॉपीराइट मार देता है। अगर हम कॉपीराइट फ्री भी बनाते हैं कि कॉपीराइट फ्री रहेगा, वो कोई और अननेसेसरी थर्ड पर्सन कॉपीराइट मार देता है, जिससे ये लोग, ये जो बना है, जो लोग इसके ये भी है जो ओनर है, वो लोग भी नहीं, रैंडम पार्टी एकदम कॉपीराइट मार के मेरा सॉन्ग का क्लेम कर लेता है। तो हम इरिटेट हो गए उस चीज से। तो जब तक मेरे पे अभी थोड़ा अच्छा ये हम स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक एज अ क्रिएटर, तब तक हम अननेसेसरी चीज करने का भी थोड़ा काम कर दिए कि हम कैसे बोले कि मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी वो मेरे लिए एकदम टाइम वेस्ट नहीं है, बट वो मेरा एक काइंड ऑफ पैशन बोल सकते हो है, बट वो फिलहाल के लिए वो मेरा जो अभी ग्रोथ है उसके लिए टाइम वेस्ट हो सकता है। तो हम वो करेंगे डेफिनेटली, हम फिर से करना चालू करेंगे, बट थोड़ा ये चैनल थोड़ा और हम हल्का सा और ग्रो कर जाए। हम लोग जल्दी से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे को एकदम कितना वो कितना सब्सक्राइबर 600 है, 1000 कराओ। 1000 होने के बाद थोड़ा हम और दूसरे चैनल पे काम फिर है, उसके बाद हम फिर ये सब बीच बीच में क्रिएटिव वे में, ऐसे एग्जाम्पल ले लो, अगर तुम लोग चाहो तो, अगर तुम लोग 1000 सब्सक्राइबर कराते हो मेरा, तो 1000 में हम एक शायद से एक रिमिक्स डाल दे। अब तो मेहनत करना बनता है, तुम लोग अपने तरफ से मेहनत करोगे तो हम अपने तरफ से मेहनत करना बनता है, तो हम कर देंगे। तो डेफिनेटली थोड़ा चैनल पे सपोर्ट करना चालू कर दो, भी तुम लोग के हिसाब से भी रिमिक्स बना सकते हो, और करना पड़ेगा। तो मेरा भी नहीं पता, माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा, बट जेनुअनली थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और लाइक कर देना, और अभी के लिए चलते हैं। बाय बाय टाटा, सी यू, सायोनारा गाइस।